मिटा के दिया। चलो ये क्यों यहाँ पे भी करो, गंदा है ना। यहाँ पे भी करो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे डॉट्स के ऊपर बनाया, वेरी गुड। सबसे अच्छा आपने ये वाला किया। अब नेक्स्ट किसी कर दो एक दूसरे को। हाँ हाँ दोनों ने क्या पहनी है। वेरी गुड, गुड गर्ल। जो लोग आज डिनर में बना रहे हैं ये मैक्रोनी। बहुत सारी सब्जियां हैं यहाँ पर, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ कि मैं मैक्रोनी कैसे बनाती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल स्टेज ऐसी ब्लॉग। मैंने पहन ली है दीपू की हुडी। अभी आएंगे ना, नीचे ही है, गाड़ी पार्क कर रहे हैं और आते ही मुझे बोलेंगे ओए मेरी पहन ली है। बट वैसे मैंने दो ये पहनी थी, बट ये अपनी टी शर्ट और ये वाला स्वेटर जो दीपू का पहन के रखती हूँ मैं, ये भी दीपू को बाता नहीं है, तो 2-3 साल से मैं ही पहन रही हूँ। बट मुझे ठंड लग रही थी तो फिर मैंने ये हुडी भी पहन ली, वो हुडी कह रही हूँ, स्वेट शर्ट पहन ली। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रोनी बनाना। तो सबसे पहले मैं सारी वेजिस को ना यहाँ पे काट लेती हूँ, और टमाटो एंड ग्रीन चिली को मैं करूँगी मिक्सर जार में ग्राइंड, पेस्ट बनाऊंगी इसका, टमाटर और हरी मिर्च का। ठीक है, चलो। जैसे कि मैंने दिखाया है कुकर में मैंने पानी रख लिया, क्योंकि ज़्यादा बनानी है थोड़ी, सब डिनर में यही खाएंगे। तो इसमें मैंने पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, नमक डाल दिया। जैसे इसमें बॉयल आएगा ना, मतलब पानी उबलेगा, तो मैं इसमें डाल दूंगी ये मैक्रोनी। मेरे टी शर्ट को पहन लिया। मैंने क्या कहा था, गंदी कर दी, देख मुझे कल पहननी थी। मैंने क्या कहा था, आते ही सबसे पहले यही बोलेंगे मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है। तो सब्जियां सारी मेरी यहाँ कट गई हैं। यहाँ है मटर, हरी मिर्च, ये मैं अभी टमाटर के साथ प्यूरी बनाऊंगी, क्योंकि पहले मैं सब्जियों को सौते कर लेती हूँ, फिर हम प्यूरी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ, सबसे पहले ऑयल, मैं ना अकेले शूट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सबको किचन से भगा दिया, वरना शोर बहुत आता। तो सबसे पहले ऑयल गर्म होती है, मैं अनियन डालूंगी, अनियन प्याज के बाद अब मैं डाल रही हूँ बीन्स, गाजर एंड गोभी। मटर, शिमला मिर्च, टमाटर और मिर्च अभी यहाँ है, ये सारी सब्जियाँ चली गई हैं और इनको भी सौते कर लेंगे। और यहाँ मैंने मैक्रोनी को भी छान कर ठंडे पानी से निकाल लिया है, ये देखिए इतनी गलाती हूँ मैं मैक्रोनी को, बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलाती हूँ वरना वो टूट जाती है। रखिए जब तक मैं फटाफट से ये सारा सामान इस जार में डाल लेती हूँ और इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ टमाटर एंड हरी मिर्च का। तो ये देखिए मेरा टमाटो पेस्ट यहाँ रेडी है, और मैंने यहाँ गैस को कर दिया है बंद, क्योंकि मेरे को जितनी सब्जी मैं यहाँ पकाना चाहती थी मेरी पक गई है, तो मैंने यहाँ बंद कर दिया ताकि ओवर कुक ना हो जाए। और मैंने यहाँ पैन रखी है, पैन में डाला है मैंने ऑयल, मेरा को ना वेट नहीं हो रहा, पता चल गया मैक्रोनी बन रही है। हाँ जी, अभी बनी नहीं है, अभी बनी नहीं है। हाँ अब तो तुम हर बहाने से यहीं पर ही आओगी। तो अब मैं इसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, रुको। तो ये है टमाटो केचप, ये लगा लो, ये इसमें बस ख़त्म ही हो गई है, मैंने दूसरी मंगवाया भी ली है दीपू से, दीपू ये ले आए, ये रही। तो बस ये लगा लो, इसमें जितनी है ना ये पूरी भी नहीं डलेगी, इसमें थोड़ी सी, मतलब मैं बता देती हूँ अंदाज़ा कितनी डालती हूँ, क्योंकि मेरे को मीठा टेस्ट पसंद नहीं है। तो ये टैंगी बस फ्लेवर देगी, एक मीठा नहीं देगी। तो इसका हाफ स्पून इसमें डालूंगी, और तेल गर्म हो गया, इसमें मैं ये पूरा पेस्ट डाल दूंगी। मुझे अंदाज़ा पता है, आप मेजरमेंट करके डाल लेना, मायरा आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। डल डाल दिया, मैं इसमें डालूंगी ध्यान से, ज़्यादा गर्म हो गया था इसलिए। तो मैंने यहाँ पूरा टमाटो, ग्रीन चिल्ली एंड केचप डाल दिया और ऑयल में, एंड उसको अच्छे से मैं टमाटो का कच्चापन ख़त्म करूँगी, मतलब इसको पका लूँगी इसमें जो ऑयल है वो छोड़ने तक।
अगर मैं यही प्यूरी इसमें डालती ना तो सब्जियां बहुत ज्यादा गल जाती। यही रीजन है कि मैं टमाटो को अलग पकाती हूँ एंड सब्जियों को अलग पकाती हूँ, क्योंकि ऐसी पसंद है कि सब्जियां ना उसमें कच कच कचर कचर करें वैसी अच्छी लगती है, गली हुई नहीं अच्छी लगती है। और मैकरोनी भी मुझे थोड़ी खड़ी पसंद है, जैसे मैगी पसंद है, तो इसीलिए मैं अलग अलग कुक कर रही हूँ। आप साथ में भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी मतलब सब्जियां ज़्यादा गली हुई पसंद है, वरना आप इस ट्रिक से बना के देखना एक बार, बहुत अच्छी बनेंगी। अब हम इस टमाटो में डालेंगे नमक, थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि जब मैकरोनी बॉयल हो रही थी मैंने तब भी डाला था, तो थोड़ा कम डालूंगी। नेक्स्ट इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ डार्क सोया सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा बस। नेक्स्ट एंड लास्ट मसालों में मैं इसमें डालूंगी ये मैगी मैजिक मैगी मसाला ए मैजिक, ठीक है, 2 पैकेट इसमें। गाइज अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर। मटर डालने के बाद मैं इसको पकने दूंगी कम फ्लेम पर, और साथ ही साथ इस साइड की भी गैस ऑन कर लूंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जल्दी हो जाती है इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। गाइस और इसको भी अब कर लेते हैं फटाफट से, इस पूरे को इसमें डाल दूंगी। 1 2 3 4 यस। मैक्रोनी जम जाती है, कोई नहीं आप इसको कुछ मत करो, इसके ऊपर सब्जियां डालो गरम गरम और पीछे से ऐसे करो, ये सारी खुल जाएगी अपने आप धीरे धीरे। इस स्टेज पे आप चेक कर लो नमक वगैरह, अगर मिर्ची कम है तो काली मिर्च डाल सकते हो, नमक मेरे में कम था तो मैंने नमक डाल लिया। और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूंगी और इसके बाद हम लास्ट में इसमें डालेंगे हरा धनिया एंड हमारी मैक्रोनी रेडी है। गाइस ये देखो मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, आजो खा लो। मायरा को आवाज लगाऊंगी कैसी आएगी। मायरा मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, बिना आवाज के आएगी। मैंने कब देखना अभी मायरा कैसी स्पीड में आएगी। अच्छा क्रैक्स का पैकेट भी फेंकने यहाँ आ रही है, देखने कितनी बन गई। देख मैं वीडियो भी बना रही थी ना, उसको देखनी है। हाउ वाज इट, वाओ मम्मी थैंक यू। इतनी किस्सियां कर रही है मुझे, जल्दी निकालो इसमें लो। उनके साथ नहीं, इसी रहने दो। कैसे खाओगे फिर? खाऊंगी तो डाल लो ना। सुना आपने मम्मी आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई। मैं शूट नहीं करूंगी क्योंकि मुझे बनाना है फटाफट से पनीर भुर्जी, क्योंकि दीपू को खाने है पनीर कुलचा, तो मैं फटाफट से वो बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को सीधा लास्ट में। ये पनीर भुर्जी और ये रहे कुलचे, एक चीज थोड़ी सी चीज भी पड़ी थी स्लाइस, ये लगा दूंगी एक में। फटाफट से बना लेती हूँ इस वाले तवे पे पनीर कुलचा। ये रेडी है दीपू का पनीर चीज कुलचा, इसको फटाफट से कट कर लेते हैं। फॉर डिनर मैक्रोनी एंड पनीर कुलचा एंड केचप, चलो चलते हैं। सो गाइस ये है मेरी प्लेट मैक्रोनी, इसमें सारी वेजेस मेरे में डाल दो। मायरा की वेजेस नहीं खाती है लड़की, मटर बिल्कुल नहीं खाती है।
गाइस अभी मायरा कर रही है नेबुलाइज और मेरी आवाज आपको आनी रही होगी, आ रही है, आ रही होगी, तेज चल रही है ना मशीन। मायरा आप क्या कर रहे हो, सबको यहाँ पे बता दो क्या कर रहे हो। अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले। सो गाइज डिनर हो गया है, नेबुलाइज कर रही है मायरा और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी मैक्रोनी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वैसे तो मैक्रोनी सर्दियों में बनाने का अलग ही मजा है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ही प्यारी प्यारी ग्रीन एंड अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं, एंड खास करके मटर। मैक्रोनी में मटर बहुत ही मजेदार लगते हैं मुझे। बाकी गर्मियों में मैं बनाती हूँ तो सिंपल टमाटर प्याज का ही तड़का लगाती हूँ और हरी मिर्च। बाकी सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां होती हैं। दीपू ने फेंका है रिमोट और मतलब ब्लैंकेट सही कर रहे थे तो गिर गया, तो उठा दो मायरा। ओके सो आई होप आप लोगों को मेरी ये मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आई होगी, एक बार ट्राई करना। अगर आप अलग तरह से बनाते हो इस तरह से बहुत अच्छी बनती है। इस तरह से जो कलर है ना वो रेड बहुत आता है, क्योंकि टमाटो को हम अलग से पकाते हैं तो वो पकने के बाद काफी अच्छा कलर हो जाता है उसका। और मैंने जो टमाटो यूज कर सारा फेंक दिया, मैडम को बोलो जोड़ दो प्लीज। तो मैंने जो टमाटो यूज करे थे वो देसी टमाटर करे थे, जो अभी आते हैं इन दिनों, इसकी चटनी और मैक्रोनी में अच्छी बनती है उससे चटनी, और मैक्रोनी में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था क्योंकि वो थोड़े से खट्टे होते हैं। तो आप कर सकते हैं वो यूज, और अगर आप इस तरह से मैक्रोनी बनाओगे तो मुझे बताना कि कैसी बनी। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग नहीं था, रेसिपी थी, बट कोई नहीं, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, और तो मैंने मैक्रोनी बना दी। मतलब मैक्रोनी बनानी थी तो मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लेते, मतलब वीडियो ही बना लेते हैं। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो भी कर देना। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय गाइस, गुड नाइट।